दरबार चल रहा है और अभी जो लोग हैं वो यहाँ से पर्चा दिखा करके निकल रहे हैं और आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो बाबा हैं वो लोगों की पर्चा देख रहे हैं। आप तस्वीरें देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर बाबा का जो है वो पर्चा देख रहे हैं लोगों का। इससे पहले उन्होंने एक मीडियाकर्मी को चैलेंज किया कि जाइए भीड़ में से ढूंढ कर लाइए, भीड़ में से दो लोगों को ऐसे ढूंढ कर लाइए और वो पर्चा उसके पहले तैयार कर दिए। उन्होंने दावा किया कि जो दो लोगों को आप लाएंगी पर्चा उन्हीं का होगा और अब उन्हीं का पर्चा देखा जा रहा है। इसके पहले अब तक दर्जन भर से अधिक लोगों का पर्चा देख चुके हैं बाबा और हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें जो लोग आ रहे हैं जिनका पर्चा देखा गया है। हम बात करेंगे जो सवाल आपके मन में थे वही था, जो सवाल मेरे मन में था वही बाबा ने इस पर्ची में लिख दी। मुझे तो विश्वास अभी भी नहीं हो रहा कि वाकई में ये कैसे हो गया। मैं कभी ये विश्वास नहीं करता था कि लोग बोलते थे, मैं मोबाइल में देखता था, ये कैसे सबकी मन की बात को जान लेता था, मगर आज जब ये घटना मेरे साथ हुआ तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। प्रभ है, हाँ, मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे वो मन की बात वो पढ़ लिया। और भी लोग आ रहे हैं, हम उनसे भी जानेंगे। बाबा के दरबार में पर्ची की अर्जी स्वीकार होने के बाद दो शरद अलवर आ रहे हैं भक्तगण, उनसे बातें करें। चाची, क्या नाम हुआ? उर्मिला देवी। आज आपकी अर्जी स्वीकार कर ली गई, बहुत खुशी के बात हुआ हमको। बहुत विश्वास था कि ऐसा होता है? विश्वास था हमको, पूरा विश्वास था बाबा से। अर्जी स्वीकार हो गया। क्या आप मन में जो सवाल थे वही उसी का जवाब मिला? हाँ हाँ, वही जवाब मिला, जो हम सोचे वही बाबा दिए जवाब। हाँ, जो सोचे थे वही मिला। दिक्कत क्या था? दिक्कत यही था, सब कुछ खाने पीने के पत्ती भी बहुत प्याग था और बहुत एकदम हरदंग मचाते थे घर में, वही सब बाबा बताएं, सही बताएं। की भी अर्जी सुनी गई है? नहीं, हमारा बाबा कहें बाद न होगा तो स्वीकार। एक माता जी आ रही हैं, उनसे बात करें। माता जी, आपकी अर्जी स्वीकार की गई है? हाँ, मैं भगवान से भक्ति ही मांग रही थी और कुछ नहीं मांग रही थी। जो आपके मन में सवाल थे उसी का जवाब? हाँ, उसी का जवाब मिला है। आश्चर्यचकित हैं एकदम। भगवान ने मुझे आज सपना दिया था, जब से मैंने भगवान का सुना था कि भगवान जी ऐसे कहते हैं, तो मैंने लहसुन प्याज बंद कर दिया था और तब सन्यासी बाबा ने मुझे सपना दिया था कि मैं तुमसे मिलूंगा 7-8 महीने के अंदर, और 7-8 महीने के अंदर दर्शन हुआ। ये सपना आपको कब आया था? सपना मुझे आज से 2 महीना पहले। हाँ, 2 महीना अर्जी भी लगाई थी? हाँ, अर्जी भी लगाई है, मैंने नारियल बांधा है। तो देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से खुश हैं जो श्रद्धालु बाबा के दर्शन करके निकल रहे हैं। हतप्रभ भी है कि उनके मन में जो सवाल था उसका जवाब पहले से बाबा लिख करके रख रहे हैं और कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं, लेकिन बाबा के दर्शन के बाद जब सवालों के जवाब मिल जा रहे हैं तो काफ़ी खुश होकर के यहाँ से निकल रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए पटना से कृष्ण नंदन।